श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से कुछ समय पश्चात जब अनुकूल समय आया तो कुंती के गर्भ से एक बड़े ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब पुत्र का जन्म तो हो गया, पर कुंती बड़ी चिंता में पड़ गई। क्या करूं? अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, यदि इस पुत्र का मैं लालन पालन करती हूँ तो दुनिया में मेरा बड़ा ही अपमान होगा। तब कुंती ने क्या किया, जो अपनी एक अति विश्वसनीय दासी थी उसे बुलाया और अपनी समस्या कही। तब दासी कहने लगी कि हे राजकुमारी, बुरा ना माने तो मैं आपको एक सलाह दूं। मैं एक सुंदर टिपारी ले आती हूँ और उस टिपारी में इस शिशु को लिटा करके और वरुण देव को समर्पित कर देते हैं। जैसी भगवान की इच्छा होगी, भगवान इसकी रक्षा करेंगे। ऐसा जब दासी ने कहा तो कुंती सहर्ष तैयार हो गई। वह दासी एक टिपारी ले आई और उस टिपारी में उस सुंदर शिशु को लिटा दिया। शिशु को लिटाने के पश्चात दासी चली तो उसे एक नदी में जाकर के प्रवाहित कर दिया। यहाँ पर हम इतना और बता दें कि दासी ने जिस शिशु को उस टिपारी में रख करके नदी में प्रवाहित किया था, उस शिशु के कान बड़े सुंदर थे और इसी गुण के कारण आगे जा कर के दुनिया में वह पुत्र कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। कर्ण के जन्म स्थान के संबंध में दुनिया में बड़ी ही अनेकानेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। किसी दंत कथा के अनुसार उसकी जन्म स्थली कुंतलपुर बताई जाती है, तो कहीं पर कुछ लोग कुतवार नाम के स्थान पर उसका जन्म बताते हैं, तो बिहार में यदि जाएंगे तो जो बिहार में एक भोजपुर नाम का नगर स्थित है, कुछ लोग राजा कुंती भोज को वहाँ का शासक बताते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी जिला रायसेन के अंतर्गत एक शिव मंदिर भोजपुर नाम की जगह है, तो कुछ लोग इसी भोजपुर को महाराजा कुंती भोज की राजधानी बताते हैं। अब इसी प्रकार से कर्ण को किस नदी में प्रवाहित किया गया था, इसके बारे में भी अलग अलग दंत कथाएं प्रचलित हैं। उसमें भी विद्वानों के एक मत नहीं है। कहीं पर बताया जाता है कि उसे अश्व नदी में प्रवाहित किया था, तो कुछ लोग बताते हैं कि उसे आसन नाम की नदी में प्रवाहित किया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि गंगा जी में प्रवाहित किया था, और कुछ लोगों का मत है कि भोजपुर के पास में प्रवाहित होने वाली जो वेत्रवती नाम की नदी है, इस वेत्रवती नाम की नदी में ही कर्ण को प्रवाहित किया गया था। अब इसमें जो भी बात हो, ये विद्वानों के लिए और पुरातत्व शास्त्रियों के लिए एक खोज का सुंदर विषय हो सकता है। यहाँ पर ये सब बातें हमने इसलिए रखी कि लोक में इस प्रकार की किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं। अब हमने जो उपरोक्त नदियाँ बताई है कि इन नदियों का लोक कथाओं में और कहीं कहीं पुराणों में भी वर्णन आता है कि इन्हीं नदियों में से किसी एक नदी में कर्ण को प्रवाहित किया था। अब इनमें जो बात भी सत्य हो, लेकिन इसमें एक बात तो बिल्कुल ही सत्य है कि इन सभी नदियों का जो संगम होता है वो गंगा जी में होता है। अब वह जो टिपारी उस दासी ने जल में प्रवाहित की थी, वह बहते बहते गंगा नदी के किनारे
एक चंपावती नाम का स्थान है। इसी चंपावती नाम के स्थान पर धृतराष्ट्र का सारथी जिसका नाम अधीरथ था, वह अधीरथ गंगा जी में अपने घोड़ों को जलपान करा रहा था। तो उसने देखा कि कोई टिपारी बहती हुई जल में चली आ रही है। अधीरथ घोड़ों को छोड़ करके और उसने उस टिपारी को पकड़ा, किनारे पर ले आया। जब खोल करके देखा तो दैदीप्यमान सूर्य के समान एक अद्भुत बालक उस टिपारी में उसे दृष्टिगोचर हुआ, जो टिपारी में लेटे लेटे और अपने पैर के अंगूठे को चूस रहा था। उस दिव्य बालक को प्राप्त करके अधीरथ मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। देखिए, गंगा मैया की कैसी कृपा है, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी तो आज माता गंगा ने कृपा करके और मुझे पुत्र दे दिया। उसने अनेकों बार माता गंगा को प्रणाम किया और अपने घोड़ों को लेकर के अपने स्थान को आ गया। अधीरथ ने ला करके वह पुत्र रत्न अपनी पत्नी राधा को दिया। राधा ने भी देखा बालक बड़ा अद्भुत था, कवच और कुंडल धारण किए था, यानी उसके पूरे शरीर के ऊपर एक दिव्य सोने के समान कांति वाला कवच चढ़ा हुआ था और कानों में सुंदर कुंडल थे। अब इनके कोई संतान तो थी नहीं, अधीरथ और राधा दोनों निपुते थे, पुत्र रत्न प्राप्त हो गया। तो क्योंकि कान इस पुत्र के बड़े ही सुंदर थे, इसीलिए राधा ने इसका नाम कर्ण रखा। बड़े ही प्रेम से उस अधीरथ और राधा के यहाँ पर कर्ण का लालन पालन होने लगा, क्योंकि सूर्य का तो अंश था ही, इसीलिए वह बालक बचपन में ही सूर्य के समान प्रकाशित होता था। और जो उसके शरीर के ऊपर कंचन के समान यानि सोने के समान आभा वाला जो दिव्य कवच चढ़ा हुआ था, उस कवच के कारण इसी कारण का एक नाम वसुसेन भी जगत में विख्यात हुआ। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। यह भाग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। सादर जय माता की, जय परशुराम जी की।